इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे कुछ लोग रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका करते हैं पहले, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब निकाला जा सके, नॉन सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी बराबर आई के। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल होगा अगर वो नॉन सिंगुलर हो। अगर वो नॉन सिंगुलर हो, अगर उसके बीच में एक रिलेशन ए बी बराबर आई बराबर बी ए हो। बी को हम लोग इनवर्स ऑफ ए कहेंगे और उसको ए का पावर माइनस वन से डिनोट करेंगे। ये ध्यान रखना, ए का पावर माइनस वन कभी भी वन बाई ए नहीं है। ये इनवर्स तुम्हारा वन बाई एक्स वाला इनवर्स नहीं है। हम लोग एडजॉइंट में क्या नियम रखे थे, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए इंटू आई, और यहाँ है ए बी बराबर आई। तो इसको और इसको ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाई मॉड ए आएगा, एडजॉइंट ए बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए बाई मॉड ए बराबर आई। तो बी की जगह एडजॉइंट ए बाई मॉड ए नजर आएगा। तो इसको याद रखना, सिंपल फॉर्मेट में सिंपलेस्ट वे में जब भी हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। इस फॉर्मूला में एडजॉइंट ने अभी अभी तुम लोग सीखे हो, डिटरमिनेंट तुम लोग सीख रखे हो। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट, और दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। अब इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, वो हम एक एक करके देखते हैं। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज उसे नॉन सिंगुलर होना है, डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं। अगर डायगोनल मैट्रिसेज नॉन सिंगुलर है तो उसका जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो हमें फीलिंग आएगा कि जैसे सभी एलिमेंट का इनवर्स किया गया, सभी एलिमेंट का पावर माइनस वन हो गया। डायगोनल मैट्रिसेज, डायगोनल मैट्रिसेज मेरा स्पेशल मैट्रिसेज है। इसमें जब पावर m दोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि सभी एलिमेंट पे वो पावर आ गया है। इसको तुम ए स्क्वायर करके ही देख लेना, दो ऑर्डर या तीन ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में तुम्हें ये प्रूफ हो जाएगा। अगर मैट्रिसेज इनवर्टिबल है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होता है, यूनिक इनवर्स। अगर मैट्रिसेज इनवर्टिबल है तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज और इनवर्स, ट्रांसपोज और इनवर्स अंदर बाहर होते हैं। एडजॉइंट में भी इनवर्स अंदर बाहर होगा, डिटरमिनेंट में भी इनवर्स अंदर बाहर होगा। अब प्रोडक्ट में आते हैं, ए बी का होल इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसा क्यों, इनवर्स निकालते समय एडजॉइंट का यूज किया गया है और एडजॉइंट में ट्रांसपोज लगा हुआ है। ट्रांसपोज का मतलब है कि ऑर्डर चेंज हो गया है, सो इनवर्स के प्रोडक्ट में भी ऑर्डर चेंज कर जाएगा।
डबल इनवर्स सिंपल के बराबर हो जाएगा, ए और बी अगर बराबर रहेगा तो ये पावर वाला आसानी से तुम प्रूव कर सकते हो। यहां पर देखो मॉड ए इनवर्स क्या था, मॉड ए का इनवर्स, मॉड ए का इनवर्स, मॉड ए एक स्केलर नंबर हो गया। अब इसमें मैट्रिसेज नहीं है तो इसको हम 1/mod a लिखेंगे, 1/determinant a लिखेंगे। इस पर क्वेश्चंस तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई दो मैट्रिसेज बराबर हो भी सकते हैं। सो ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के बराबर भी हो सकता है अगर संभव हुआ तो, लेकिन ये ऑलवेज नहीं है, मे बी लिखा हुआ है, ऑलवेज ये है, ये कभी कभार होगा। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग जेई एडवांस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई मेन का भी। ऑप्शन वहां पर जो चार ऑप्शन देते हैं उनमें से एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि ए बी का होल इनवर्स मे बी इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स। मैक्सिमम लोग इसको गलत कर देंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ यही प्रॉपर्टीज है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर B inverse into A inverse। ये बहुत ही कम जगह पे दिया हुआ है कि A inverse into B inverse के बराबर ये हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैट्रिसेज ऑर्थोगोनल है, मैट्रिसेज ऑर्थोगोनल है तो A into A ट्रांसपोज I होता है और A into A inverse भी I होता है। सो वैसे केसेज में A inverse ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर मैट्रिसेज मेरा नॉन सिंगुलर है और सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोज और इनवर्स अंदर बाहर हुए हैं। इस प्रॉपर्टी के यूज करते ही सिमेट्रिक हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा प्रोडक्ट जीरो है, कोई दो मैट्रिसेज का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो हो या बी जीरो हो, लेकिन हाँ अगर ए तुम्हारा नॉन सिंगुलर है मतलब ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो हमें बी को जरूर जीरो होना पड़ेगा। अब मेरा एक सवाल सुनो, सोच समझ के जवाब देना। ये नाइन्थ में लिखा है ए बी बराबर जीरो डज नॉट इम्प्लाई ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो। सिंपल अलजेब्रा में x इंटू वाई बराबर जीरो रहने पे हम लोग लिखते थे आइदर x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, तो क्या उस लिहाज से मैट्रिसेज में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या तुम इसका एग्जांपल देखना चाहोगे, प्रूफ देखना चाहोगे इस लाइन का, नाइन वाले का? यस सर, यस सर। दिखा रहे हैं, देखो हम दो मैट्रिसेज ले रहे हैं, कोई भी दो मैट्रिसेज यहाँ पर A इंटू बी जीरो 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 वन, ये मैट्रिसेज A है जो कि जीरो नहीं है, नल मैट्रिसेज नहीं है। अब हम इसको वन जीरो 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 लिए, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया। तो ये उसका प्रूफ है, ना ही ए मेरा नल मैट्रिक्स है ना ही बी मेरा नल मैट्रिक्स है, लेकिन ए इंटू बी इनका प्रोडक्ट मेरा नल मैट्रिसेज हो गया। समझ में आया कि मैट्रिसेज में संभव है दो नॉन नल मैट्रिसेज का प्रोडक्ट नल मैट्रिसेज हो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बंद है कनेक्शन।
हम लोग इनवर्स का पहला एग्जांपल देख रहे हैं, इसलिए काफी सिंपल लेंगे। फाइंड ए इनवर्स इफ ए बराबर ए बी सी डी, इसको हम फॉर्मूले से निकालने वाले। ट्रांसपोज को फैक्टर मैट्रिक्स क्या था, ए का डी, डी का ए, बी का माइनस सी और सी का माइनस बी। ट्रांसपोज निकालने पे ये एक्सचेंज हुआ था और यहां पे माइनस लगा था, तो ये मेरा ए इनवर्स हो गया। ये सबसे आसान वाला है। ये सबसे आसान वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिसेज है जिसका हमें इनवर्स निकालना है, तो इसको भी हम फॉर्मूले से करेंगे। पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। एक एक एलिमेंट है, डिटरमिनेंट निकालना सिंपल है, तो हम इसमें कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन शो करते हैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। हमने तीन ऑर्डर का एडजॉइंट निकाल के दिखाया था, सभी का कोफैक्टर निकाला गया था, सभी का कोफैक्टर निकाला गया था और फिर ट्रांसपोज लिए थे, तो मेरा एडजॉइंट ए भी आ गया है। तो अब इन दोनों को हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी सही जगह पे, तो ए इनवर्स हमारा एडजॉइंट ए बाई मॉड ए आ जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? हाँ, अब एक छोटा सा सवाल हमारा है, ध्यान से सुनना। हम छत्ता पर क्लास ले रहे हैं, सूरज का रोशनी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है, तुम लोग को जब तक लोग और आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ है चार क्वेश्चन का, ये चार क्वेश्चन का पैराग्राफ है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। मैट्रिसेज दो ऑर्डर का है, इसके एलिमेंट को ए आई जे से दिखाया जा रहा है, ए आई जे जीरो से चार, जीरो से चार में से कुछ भी हो सकता है ए आई जे, और सभी एलिमेंट का समेशन, चारों एलिमेंट का समेशन फोर होना है, तो ऐसा बहुत संभव है। अब मेरा पहला सवाल सुनो, ऐसे कितने मैट्रिसेज होंगे, ऐसे कितने मैट्रिसेज होंगे जिनका ट्रेस फोर होगा। ट्रेस क्या था? डायगोनल एलिमेंट का समेशन था ट्रेस, ए वन वन प्लस ए टू टू फोर होगा, ए वन वन प्लस ए टू टू ये फोर होगा, और ये दोनों मस्ट है कि जीरो हो जाएंगे, तो ऐसे कितने मैट्रिसेज संभव है। तो देखो यहां पर इस मैट्रिसेज को ध्यान से देखो, इन दोनों का समेशन चार है और ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं, तो ये तुम्हारा दो मैट्रिसेज संभव है। यहां भी समेशन चार है, ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये भी दो मैट्रिसेज होगा, दो दो लोगे, तो यहां भी समेशन चार है और ये सिर्फ एक मैट्रिसेज होगा, सो दो प्लस दो प्लस एक, पांच मैट्रिसेज टोटल होंगे। और तुम अगर देखो तो यहाँ पर दो एलिमेंट का समेशन चार नहीं होगा, चार प्लस जीरो, तीन प्लस एक, दो प्लस दो, दो एलिमेंट को जोड़ने से चार, यही तीन केसेज बनते थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेज ए ए इनवर्टिबल हो, ऐसे कितने मैट्रिसेज होंगे जिसमें मैट्रिसेज ए मेरा इनवर्टिबल है। वीडियो चला गया सर, इनवर्टिबल है, वीडियो रुक गया, वीडियो रुक गया। कितने मैट्रिसेज होंगे जिसमें वो इनवर्टिबल हो, मतलब नॉन सिंगुलर हो, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कितने होंगे इसको हम लोग देखते हैं। देखो चारों का समेशन
चारों एलिमेंट का शून्य संख्या चार होना चाहिए, ऐसा एक सेट 1300 में हो सकता है। 1300 को अगर तुम लोगे तो इसका डिटरमिनेंट अगर तुम निकालो, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तीन आता है, बदल दोगे तब भी ये तीन रहेगा, तो इससे दो डिटरमिनेंट बने। 1 3 प्राइमरी डायगोनल के बजाय 1 3 को अगर सेकेंडरी डायगोनल में बनाते हो तो फिर से दो केस आएंगे, इनको अरेंज करके 2 2 0 0 वाला करते हो, 2 2 0 0 वाला करते हो तो फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, ये तुम्हारा दो डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू तुम्हारा नॉन जीरो है। एक और चार बन सकता है 2 1 1 0 2 1 1 0, इसमें AD माइनस BC किसी भी प्रकार से करो जीरो नहीं आ रहा, तो इसका ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होगा, इनका सिंपल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 by factorial 2, दो आइडेंटिकल है 1 1, इसलिए दो फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो इस सेट से बनने वाले 12 मैट्रिसेस है, 12 13 14 2 16 और 2 18 डिटरमिनेंट, 18 मैट्रिसेस ऐसे होंगे जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। एक और लास्ट है इसमें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है और फिर उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। तो देखो 1300 का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा और मिनिमम -3 होगा, तुम इससे डिटरमिनेंट बनाओ, ये जब डायगोनल में होगा इस तरह से तो इस समय वैल्यू 3 है और इस समय वैल्यू -3 है। 0004 इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, 0022 ये देखो +4 -4, तो मैक्सिमम 4 है मिनिमम -4 है, चारों 1 हो तो डिटरमिनेंट का 0 हो सकता है क्योंकि सारे सेम थी। 2110 को मैक्सिमम करोगे तो 2 आएगा, मिनिमम -2 आएगा, तो इस तरह से इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू -4 है, तो इनका डिफरेंस 8 होगा। ठीक है, बहुत और दिख रहा है, इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। अगला लास्ट पार्ट है, ऐसे कितने मैट्रिसेज होंगे जो या तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो या दोनों हो एंड डिटरमिनेंट 2 से डिविजिबल हो। तो चूंकि हमारा कोई भी एलिमेंट निगेटिव है ही नहीं तो अस्क्यू सिमेट्रिक का तो बात हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ हमारे पास सिमेट्रिक बनेंगे और उस सिमेट्रिक में डिटरमिनेंट को हमें 2 से डिविजिबल करना है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें 2 का मल्टीपल रखना है। तो देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट 0 बनेगा, इसका डिटरमिनेंट 4 है, -4 0 0, इसके अलावा 1 3 वाला में 3 आता है, तो ये डिटरमिनेंट तुम्हारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो टोटल कितने हो गए, 5, टोटल 5। अब हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, अब थोड़ा अंधेरा हो रहा है, थोड़ा सा बात करना था, सुबह वाला क्लास ठीक था कि नहीं, मॉर्निंग में क्लास रखना, ठीक सर, यस सर, ठीक सर। अनम्यूट कर देते हैं पहले, है ना, तब पूछते हैं। Yes,